भाई बारिश हो रही है गाइस, बारिश। सारे कबूतर गीले हो गए सारे, ये देखो। ओ भाई इसको क्या हो गया, मेरे तो कबूतर लग ही नहीं रहा भाई, कबूतर है ही नहीं है। वैसे गाइस बारिश नहीं आती कभी, और आज मैंने कबूतर सुबह से खोल रखे ना, तो दो तीन बार बारिश आ गई है। और देख लो भाई, पोपट हो गया हमारे साथ, बारिश हो गई। बाकी कोई नहीं गाइस, कबूतरों को नहाने दो, इसी बहाने से नहा भी लिए कबूतर। आज की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज की वीडियो भाई अलग ही तरीके से स्टार्ट हो गई, क्योंकि बारिश जो हो रही है ना, इसी वजह से आधे कबूतरों को तो मैं बंद करके चला गया था दोपहर में ही, क्योंकि दाना वाना दिया था मैंने, जिनके बच्चे हैं उनके। मैं आया था बस ये पौधा बाहर निकालने के लिए, जिससे कि बारिश का पानी लग जाए इसके अंदर। थोड़ा मम्मी ने भेजा मुझे, और देखा तो भाई बारिश हो रही है सही में बहुत तेज। यहाँ रख देते हैं इसे, थोड़ा पानी वानी लग जाएगा। 4 बज चुके हैं और मुझे 5 बजे तक इनको बंद ही करना है, तो बस बारिश छूट जाए जल्दी से, क्योंकि जब तक बारिश नहीं छूटेगी हम कबूतर को दाना नहीं दे पाएंगे और बंद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधे कबूतर तो भी अंदर ही है इसमें और इन सब में, तो इन सबको खोल के ही दाना दे पाएंगे। देखो वहाँ कौवा भी बैठा हुआ है, कौवा भी बहुत हरामी है यार, इन्हीं के चक्कर में तो मैं कबूतर खोलता नहीं हूँ अब। बस अब थोड़ा गेट वेट लगा के जाता हूँ, पहले मैं ये क्या करता था, गेट वेट सब खुला छोड़ जाता था, पर अब नहीं करता मैं ये गलती। देख लो गाइस, अभी 5 मिनट पहले इतनी तेज बारिश हो रही थी, और मौसम देख लो कितना नीला नीला, और धूप भी निकल गई है, तो मज़ा आ गया। पता नहीं क्या प्रकृति का नियम है, 5 मिनट में बारिश, 5 मिनट में धूप। हमारा हो गया काम सही, अब आराम से हम कबूतर को दाना गिर लेंगे, अब चाहे कुछ भी हो भाई, ठीक है। धूप निकल गई बस, वही बेस्ट है। बारिश इतनी पसंद नहीं है गाइस जितनी मेरे को धूप पसंद है, लिटरली बता रहा हूँ। तो सभी को मैंने खोल दिया है बाहर, गेट वेट सब खोल दिया है, साथ में मैं रोटी भी लेकर आया हूँ, ठीक है गाइस। तो इनको रोटी भी खिला देंगे आज, ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ ठीक है, स्वाद के लायक ठीक है, स्वाद चख लेंगे रोटी का भी आज। चलो चलो, बस कबूतर इसीलिए नहीं खोलता यार मैं छत पे, एक तो ये कौवे का रीजन तो था ही था ही, साथ में ये छत पे ये जो सीन करते हैं ना ये सब, ये पसंद नहीं है मुझे, पूरी छत पे गंद मचा रहा है, ऊपर से बारिश की वजह से हो गई है, पैरों में बीट लग रही है, चप्पल भी पहन के नहीं आया ऊपर से मैं। और आज मैं गाइस फाइनली अपना ब्रीडिंग सेटअप खाली करने वाला हूँ, पूरा ओवल और खाली कर दूँ आज मैं। मैंने डिसाइड कर लिया गाइस कि मुझे अब एक भी बच्चा नहीं निकलवाना है जब तक मैं अपना वो वाला घर नहीं बना लेता। अब हालत देख लो यार, बारिश की वजह से क्या हालत हो गई है, पानी भी जाता है थोड़ा बहुत, बस एक बेबी हैगा ये वाला, जो कि अभी बड़ा हो जाएगा तभी हो पाएगा इसमें, पर एक भी बेबी नहीं है अब, इसमें सिर्फ अंडे ही अंडे हैं, जो कि मैं अंडे फेंक दूंगा अभी थोड़ी देर में, सारे अंडे फेंक दूंगा। पर अगर किसी भाई को काम के होते ना तो दे देते यार, क्या करें यार, इतने अच्छे अच्छे कबूतरों के अंडे हैं ना, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आओ आओ आओ। चलो भाई मस्त अपना मैंने दाना डाल दिया इन्हें, जब तक ये खाएंगे जब तक मैं अपने रोटी भी तोड़ लूँगा, और फिर इसके बाद जब कबूतर बंद हो जाएंगे ना, फिर इसके डोने खाली कर देंगे, क्योंकि भाई अभी करेंगे ना तो ये कबूतर बंदे नहीं होंगे, इनकी एक आदत है ये। और गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ इस वीडियो में, पेटी तोड़ने से तो अच्छा अगर किसी भाई को ज़रूरत हो ना तो भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं इसे सेल भी कर दूंगा, क्या फ़ायदा मैं इसको तोड़ के और नुकसान करूँगा, इतनी अच्छी पेटी बनी हुई है, क्या पता भाई किसी भाई के काम आ जाए। हमारे तो चलो जब तक काम आई तो आई, पर शायद अब किसी भाई और के, किसी और भाई के काम आ जाए, जो भी भाई मुझसे लेगा ना, मैं साथ में भाई ये सब चीज़ ठीक करके दूंगा, जो मैंने कमियाँ बताई, इतने गेट वेट हिल रहे हैं, कब्जे वब्जे लूज़ हो गए हैं, वो सब मैं प्रॉपर ठीक करके दूंगा, पूरी बढ़िया कंडीशन में दूंगा। जिस भी भाई को चाहिए हो भाई कमेंट में भाई बता देना, नहीं तो भाई मेरा इंस्टा का पेज आ रहा होगा यहाँ पे, आप इंस्टा पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूँगा। थोड़े से तो अच्छा ही है भाई किसी भाई के काम आ जाए। दी पेटी तो अपनी खा ली है गाइस, इसके नीचे एक अंडा है बस, एक इसके नीचे अंडा है बस, और एक सबसे नीचे अंडा है, बाकी पूरी पेटी खा ली है, एक में बस छोटा सा बेबी है, उसको कोई नहीं, वो बड़ा हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर, वो अपना बढ़िया हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं लिया तो फिर तो मैं अपना वही करूँगा, तोड़ ताड़ के अपना जो बनाना है वो बना ही लूँगा, बट मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूँगा, अगर किसी को लेनी होगी तो ले ही लेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। गाइस मैंने कबूतर बंद कर दिए और दोबारा बारिश का मौसम होने लग गया, देखो कितने काले काले बादल आ गए हैं, बस 3 कबूतर रह गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, एक ये पट्टा और एक वो हरी कबूतरी वहाँ पर बैठी है, जो बाकी सबको मैंने बंद कर दिया है। देखो पट्टा तो उतर गया, पट्टा ना बताए भाई किस में जाता है, इसमें जाएगा। चलो चलो चलो, इसको पकड़ लूँ क्या, इससे अच्छा तो पकड़ के डाल देता हूँ उसी में, पकड़ लेता हूँ भाग के। जोरों शोरों से बारिश आने वाली है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत तेज हवा भी चलने लग गई ये देखो, और फिर काले काले बादल भी आ गए हैं, हवा तेज चलेगी तो फिर तो उड़ ही जाएंगे काले बादल भी। ये देखना भाई, ये दोनों की मस्ती आई हुई है आंधी में भी, उड़ा भी नहीं जा रहा फिर वापस आ गया टंकी पे। ये भी ये रही कबूतरी, वो भी टंकी टंकी नाप रही है,
मेरा कहना तो खुला छोड़ दूंगा, पेटी वेटी वालों सबको मैंने बंद कर दिया, बस इनको अब अंडे हटाने सबके अभी हटा देता हूँ। बारिश आने वाली है, रंजन पता नहीं कैसे अपने कबूतर खोलेगा, किसी को आने दो छत पे जब हटाएंगे अंडे। गाइस मैंने कबूतर कर दिया है बंद और चलो इनके भाई ब्रीडिंग सेटअप को हम खाली कर देते हैं, क्योंकि गाइस अब हमें बेबी नहीं लेने हैं ना अंडे लेने हैं इस पेटी में एक भी। तो हमने फाइनल डिसीजन कर लिया है कि हमें यहाँ पे अपना घर बनाना है। तो सबसे पहले अंडा भाई ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर वाले खाने में, जो कि इसके नीचे हैगा, ये रहा, ये देखो भाई एक अंडा निकल गया, ठीक है, बस दूसरा अंडा सबसे नीचे है भाई, आ जा। ये अंडा तो ख़राब हो चुका है भाई, चलो सही हुआ, बच्चा बनने से पहले अंडा ख़राब हो गया है तो नुकसान नहीं होगा। और किसी के नीचे था क्या? और किसी के नीचे नहीं था, ये तीनों पेटी, हाँ इसके नीचे हैगा एक, एक अंडा देखो ये रहा गाइस, तीन अंडे हो गए और दो अंडे भाई इसमें भी हैं अभी। जो कि उसके नीचे है भाई, वो सेक रहा अंडे, ये देखो भाई दो अंडे यहाँ हैं। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे भी दो अंडा है तो इसका एक अंडा यहाँ रख देते हैं। लो भाई अंडा भी फूट गया कुंडी लगाते लगाते, तो कुल हमारे पास पांच अंडे हो गए हैं देख लो गाइस, ठीक है। और हमारा ब्रीडिंग सेटअप खाली हो गया गाइस, अब किसी में भी अंडे नहीं है, खासकर पेटी में तो रखने ही नहीं थे तो पेटी खाली कर दी मैंने, अभी वो डोने भी हटा देते हैं सारे। थोड़ा भाई सेट से भी फील हो रहा है कि बड़ी मुश्किल से हमने ब्रीडिंग सेटअप रेडी किया था एक टाइम पे, तो अपना पहला भाई निकाल दिया है, तो निकालते वक्त थोड़ा तो बुरा लग रहा है मुझे भी, बट कोई नहीं यार भाई, अंडा यहाँ पे फूटा ही फूटा, यहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ आने लग गई, इतनी अच्छी स्मेल है इसकी, ताकत है जी। भाई हमारे सबसे नीचे वाले का है, ठीक है, जो कि कीड़े वीड़े बहुत हैं यार, इसको साफ़ भी करना पड़ेगा सभी को, तो साफ़ कर देंगे हम, डोंट वरी, इसकी कोई बात नहीं है। कबूतरी मार रही है भाई इस वाले खाने में, कबूतरी बैठी हुई थी ना तो मार रही है, जब तक ये रहेगा ना, जब तक भाई रखते रहेंगे ये सब बच्चे अंडे जो भी है, ये हटा देंगे ना तो अंडे रखेंगे नहीं फिर ये सब। लो भाई पूरी पेटी खाली कर दी है मैंने, अगर मैं ये पहले हटा देता ना कबूतर बंद नहीं होते भाई, मुझे परेशान कर देते बहुत ज़्यादा। अब आपको चेक करा देता हूँ एक बार, ये देखो पूरी पेटी खाली है, डोने सबके हटा दिए मैंने, कीड़े वीड़े हैं थोड़े बहुत, साफ़ कर दूंगा कल पूरा लॉफ्ट। तो जैसे कि बताया था गाइस सेल कर रहा हूँ मैं इसे, अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग बता देना। ये देख लो भाई पूरी मैंने साफ़ कर दिया, और लकड़ी भी देख लो भाई नीचे की नई दिख रही है पूरी ऐसी, पेटी बहुत मैंने संभाल के रख रखी है भाई, कवर करके अच्छे से, ठीक है। इसमें भी हैंगे डोने, तो इसमें तो भी अंडे दिए ही नहीं इन्होंने, ठीक है, तो ये तो निकाल देंगे हम बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़रूरी था क्योंकि यार इसमें अंडे दे रखे थे, तो इसमें से हटाना जल्दी ज़रूरी था, नहीं तो बच्चे बच्चे निकल जाते तो दिक्कत हो जाती। तो फाइनली हमने भाई अपना काम कर दिया, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि इनके नीचे से भाई एक तरीके से इनका घर ही था, ये घोंसला बना रखा था इन्होंने, तो इसी में बैठते थे वो। जल्दी हम यहाँ पे बना देंगे ना लॉफ्ट, तो इसी में हम वापसी लगा देंगे, क्योंकि वापसी तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी भाई पेटी बनेंगी बनेंगी, अंदर बनेंगी पर वो अटैच वाली बनेंगी, और बहुत अच्छा सोच रखा है मैंने, बाकी देखते हैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, क्योंकि यार जैसा कि पता है मैं सब चीज़ अपने आप से ही करता हूँ, कोई मिस्त्री कुछ नहीं बुलाऊँगा, सब चीज़ मैं अपने आप से करके देखूँगा और कोशिश करूँगा। बाकी छोटी सी वीडियो थी, ठीक है भाई, और अब बनाते हैं अपना घर जो हमने सोचा था, अगर ये पेटी सेल हो गई तो सही, नहीं तो हम कल परसों तक सामान ले आएंगे थोड़ा बहुत जो हमें ज़रूरत का चाहिए, और बाकी ये पेटी वेटी तोड़ के हम अपना वहीं लगा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।